हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करता है। इसे हम दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक होता है, एक कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट करेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक करेक्टर होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जब आयनिक करेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं पोलर्स। अगर आयनिक करेक्टर नहीं होगा तो नॉन पोलर होगा। लेकिन फजान्स रूल केवल एक्सप्लेन करता है आयनिक कंपाउंड को और उनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर्स को। कभी ये कन्फ्यूज मत होना कि ये कोवेलेंट बांड को भी एक्सप्लेन करता है। नहीं, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करता है। जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फजान्स रूल आया था। सपोज हम बात करें कि अगर आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, उसमें क्या होता है, एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, ये एनायंस में इलेक्ट्रॉन रिच होता है और केटायंस में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कभी कभी क्या होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनायन के इलेक्ट्रॉन हैं, वो केटायंस के किसी प्रॉपर्टी के कारण से ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ये सिचुएशन कभी ऐसा हो जाता है कि केटायंस की तरफ ये जो स्फेरिकल ना होकर के ये थोड़ा सा क्या होता है, अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड केटायन की तरफ थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिफॉर्म। इसी डिफॉर्म को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। मींस इस इलेक्ट्रॉनिक जो एनायन है, एनायन के किसी एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज कम और किसी एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसमें इसे पोल की तरह बन जाता है। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशंस। पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का होता है। करता कौन है, केटायन करता है। तो केटायंस जिस पावर के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण से एनायन को डिफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, मींस केटायन जो है एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शली अट्रैक्ट कर लेता है और इनके अंदर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हो जाती है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती किस में है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। मीन्स आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स में कभी कभी या उनके बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे आयनिक कोवेलेंट करेक्टर पाया जाता है। इसी को ही एक्सप्लेन किया था फजान्स ने। मीन्स दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक का पोलराइजेशन होगा और एक पोलराइजेशन करेगा। जो पोलराइजेशन करता है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। किसका होता है, केटायन का। और जिसका पोलराइजेशन होता है, वो पोलराइजेशन जिसका होता है वो है एनायंस। मीन्स इसमें दो चीज़ें हैं, केटायंस की पोलराइजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है और एनायंस के पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल का आयनिक होना या उसमें कोवेलेंट करेक्टर पाया जाना, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायंस एंड पोलराइजेशन ऑफ एनायंस। इसी पे ही इनका फजान्स का सारा रूल्स है। अब आते हैं इनके फजान्स रूल के ऊपर। एक्चुअली रूल है क्या, इनके रूल्स एक्चुअली इन्हीं एनायन और केटायन के ऊपर हैं। पहला हम लेते हैं केटायंस में क्या होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर। इसको हम लिखते हैं, चलो पीपी। ठीक है, अब पोलराइजिंग पावर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। अगर हम बात करें, एक केटायन है, किस केटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। मींस जब चार्ज किसी छोटी जगह पे होगा तो क्या होगा, जब एटम छोटा होगा या एनायन छोटा होगा, केटायन छोटा होगा, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, किस पे, छोटे पे। अगर वही चार्ज पूरे दूर तक फैला होगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पूरे इलाके पे थोड़ा कम होगा, इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर
साइज और बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियस का पावर थोड़ा सा और कम हो जाएगा। मींस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसके कारण से कैटायन की पावर होती है वो क्या है, उसके साइज के हिसाब से चेंज होती है। तो पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ कैटायंस। पे क्या होगा कि जितना ही साइज कैटायंस का बढ़ता जाएगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, घटती जाएगी। मींस साइज अगर स्मॉल होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर हम इसको सीसी कहें तो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। मींस कैटायंस की साइज जैसे जैसे घटती छोटी होती जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। दूसरा है चार्ज ऑफ कैटायंस। अगर चार्ज मींस जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। मींस जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। दो चीज़ें हमने पढ़ी कैटायंस के बारे में कि पहली उसकी साइज ऑफ कैटायंस, दूसरा है चार्ज ऑफ कैटायंस। साइज जैसे जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसी में साइज ऑफ कैटायंस में, सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे छोटी साइज किसकी है, सबसे छोटी साइज इसकी है, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे इसके आगे वाला भी अगर हम लेंगे सीजियम तो क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम, सबसे ज़्यादा जो पोलराइजिंग पावर होगा लिथियम का, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा कम होगा सीजियम का जिसके कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मींस अगर इनके साल्ट की बात करें कि सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड्स, तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, सीजियम क्लोराइड, और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, लिथियम क्लोराइड्स। सेम आ जाएँ दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम इस पर आ जाएँ चार्ज ऑफ कैटायंस पे, अगर हम बात करें सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2+ और एल्युमिनियम 3+, तो किसके पास चार्ज ज़्यादा है, एल्युमिनियम के पास चार्ज ज़्यादा है। मींस एल्युमिनियम के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और सोडियम के कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो तीनों के साल्ट बना के दे दिया और पूछ लिया कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो आपको इस दो पॉइंट से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जिसकी चार्ज ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा और उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट कैटायंस के बारे में ही, तीसरा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि एक होता है स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन। स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन होता क्या है, PNGC, ठीक, क्या होता है PNGC जैसे कॉन्फ्यूग्रेशन, नोवल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन क्या होता है, NH2 NP6, जैसे ले लो नियान, जैसे ले लो आर्गन, जैसे ले लो क्रिप्टन। नियान का कितना होता है, 10, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2s2, 2p6, हम लास्ट में केवल बैलेंस सेल की बात करें तो 2p, 2s2, 2p6, ऐसे आगे इसका क्या होगा 3s2, 3p6, इसका होगा 4s2, 4s2, 4p6, तो ये तो नोबल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन हो गए। लेकिन जो स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ्यूग्रेशन होता है वो होता है
NH2, NP6, ND10। अगर किसी में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। अगर कॉपर प्लस हो जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जैसे ये निकल गया। तो अब क्या बचा? ये बचा, ये क्या है? ये है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस तरह से स्यूडो नोबल गैस इससे कॉपर प्लस में होगा तो ये इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स अगर इसी सीरीज के देखें, कॉपर प्लस, कॉपर के बाद आता है क्या, Ag प्लस और Au प्लस, एक ही सीरीज के हैं सारे, तो इन सब की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ भी तुमको मिल जाए किसी कंपाउंड्स के साथ कंपेरिजन में कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा या इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो सीधे सीधे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी हैं इनकी क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिंक, Zn 30। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। Zn प्लस प्लस होगा, अगर 2 प्लस होगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, इनका भी जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू अदर मेटल से। सपोज करो जैसे इसके सीरीज में है जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, Hg 2 प्लस, तो ऐसे कंपाउंड अगर मिलते हैं तो इनकी पोलराइजिंग पावर और मेटल्स के पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। यही थर्ड फजांस का रूल है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, इसके दूसरा जो पॉइंट है वो है एनायन। एनायन पे आते हैं, एनायन के लिए क्या होना चाहिए, एनायन। ठीक है, एनायन में क्या होता है, एनायन का पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है, अब कैसे देखो, इसमें पहला आता है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन क्या है, आप ये बताओ कि ये एनायन या ये एनायन कौन ज़्यादा पोलराइज होगा। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं चारों तरफ से, वो इलेक्ट्रॉन तो कभी भी कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। मीन्स जिसकी साइज, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज होगा। मीन्स उसके अंदर साइज होगा तो साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन को हम केवल पी लिख दिए। मीन्स अगर एनायन की साइज बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है, दूसरा आते हैं चार्ज ऑफ एनायन। सेम चार्ज ऑफ एनायंस, अरे भाई चार्ज ज़्यादा होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पोलराइजेशन कम होगा। तो मीन्स चार्ज एनायंस का अगर ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो यही था फजांस का रूल। फजांस के एक्चुअली तीन ही पॉइंट बनते हैं, एनायन कैटायन को लोग एक में समझा देते हैं लेकिन एक्चुअली दोनों को अलग समझाने से अच्छा समझ में आता है। अगर हम इसको अब समराइज करें कि फजांस रूल क्या क्या था, फजांस रूल क्या क्या था और क्या बताया। फजांस रूल बोलता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनायन, इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को समझाता है फजान्स रूल्स। क्या समझाता है? दो रीजन है, पहला साइज ऑफ कैटायन, ज्यादा साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर आता है चार्ज ऑफ कैटायन, क्या होगा? चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। थर्ड है स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC इसको हम बोलते हैं, स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्यूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा S तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एनायन पे आते हैं, साइज ऑफ एनायन, अगर साइज ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर हम चार्ज पे आ जाएं, चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ज़्यादा होगा पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये पांच पॉइंट थे जो फजान्स रूल को पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। तीन चार तरह के साल्ट दे दिए जिनके साइज़ अलग अलग होंगे, जिनके आयंस चार्ज ज़्यादा अलग अलग होंगे और उनको पूछ लिया जाएगा कि उसमें पोलराइजिंग पावर आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। तीन चार दे दिया गया, जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ गया, LiCl, KCl, CSCl ये दे दिया गया और ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब बताओ कि इन तीन कंपाउंड से या NaCl भी ले लो, सबसे ज़्यादा और सबसे कम सॉल्युबल वाटर में कौन होगा? हमने समझा कि वाटर में आयनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा आयनिक होगा उतना अच्छा सॉल्युबल होगा। यहाँ भी तो कंपलेटली पूछे कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ना कि कंप्लीट सॉल्युबल की बात है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब ले लीजिए, या लिथियम है, या पोटेशियम है, या सीजियम है, या सोडियम है। सबसे पहला है कि साइज ऑफ कैटायंस, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मींस वो उतना ही कम सॉल्युबल होगा वाटर में। मींस लिथियम जो है वो सबसे कम सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है सीजियम में साइज बड़ा है कैटायंस बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे सपोज करो और दे दे कि KCl, ZnCl2, Mg या CuCl, इन तीनों को दे दिया जाए, बोल दे कि किस में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है या किस में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो अब बताओ, पहली बात अगर इनमें देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है? पोटेशियम, ठीक है। साइज पे आ जाए तो सबसे बड़ा साइज है, साइज सबसे छोटा इसका है, और सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है? सबसे ज़्यादा चार्ज जिंक के ऊपर है, तो जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद चार्ज इन दोनों का सेम है, लेकिन साइज किसका? कॉपर का ज़्यादा बड़ा है, तो साइज बड़ा होगा क्या होगा? तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो दूसरे अगर इसमें देखा जाए तो इसके रिस्पेक्टिव में ये, अगर इसको हम एक सीरीज में देखा जाए तो आयनिक
आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? सबसे ज्यादा आयनिक होगा इसमें कॉपर CuCl, उसके बाद कौन होगा आयनिक KCl, उसके बाद कौन होगा ZnCl2। ऐसे ही से क्वेश्चन ही नीट्स के एग्जाम में या JEE मेंस में आते हैं, छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको बहुत आसानी से इस फजांस रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।